बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि दिल्ली में हड़ताल शुरू तो हो चुकी थी हिंदू और मुस्लिम एकजुट थे इसी बीच गांधी जी बंबई पहुंचे और सुझाव दिया कि सब लोग बिना परमिट के अपने घर में नमक बनाएं ऐसी सूचना थी कि जल्द ही गांधी जी को गिरफ्तार किया जा सकता है और ये खबर सच भी साबित हुई गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पाते ही जनमानस का आक्रोश बढ़ना लाजमी था ऐसे में सरकार ने गांधी जी को रिहा तो कर दिया परंतु इस सब में कई लोग मारे गए तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय वह सप्ताह भाग दो मैं कमिश्नर ग्रिफिथ साहब के कार्यालय में गया उनकी सीढ़ी के पास जहां देखा वहीं हथियारबंद सैनिकों को बैठे पाया मानो लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हों। बरामदे में भी हलचल मची हुई थी मैं खबर देकर ऑफिस में बैठा तो देखा कि कमिश्नर के पास मिस्टर बोरिंग बैठे हुए थे मैंने कमिश्नर से उस दृश्य का वर्णन किया जिसे मैं अभी अभी देख कर आया था उन्होंने संक्षेप में जवाब दिया मैं नहीं चाहता था कि जुलूस फोर्ट की ओर जाए वहां जाने पर उपद्रव हुए बिना नहीं रह सकता और मैंने देखा कि लोग लौटाए लौटने वाले न थे इसलिए सिवा घोड़े दौड़ाने के मेरे पास दूसरा कोई उपाय ना था मैंने कहा किंतु उसका परिणाम तो आप जानते थे लोग घोड़ों के पैरों तले दबने से बच नहीं सकते थे मेरा तो ख्याल है कि घोड़सवारों की टुकड़ी भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी साहब बोले आप इसे नहीं समझ सकते आपकी शिक्षा का लोगों पर क्या असर हुआ है इसका पता आपकी अपेक्षा हम पुलिस वालों को अधिक रहता है हम पहले से कड़ी कार्रवाई न करें तो अधिक नुकसान हो सकता है मैं आपसे कहता हूं कि लोग आपके काबू में रहने वाले नहीं है वे कानून को तोड़ने की बात तो झट समझ जाएंगे लेकिन शांति की बात समझना उनकी शक्ति से परे है आपके हेतु अच्छे हैं लेकिन लोग उन्हें समझेंगे नहीं वे तो अपने स्वभाव का ही अनुकरण करेंगे मैंने जवाब दिया किन्तु आपके और मेरे बीच जो भेद है सो इसी बात में है मैं कहता हूं कि लोग स्वभाव से लड़ाकू नहीं है बल्कि शांति प्रिय है हमें बहस होने लगी आखिर साहब ने कहा अच्छी बात है यदि आपको विश्वास हो जाए कि लोग आपकी शिक्षा को समझे नहीं है तो आप क्या करेंगे मैंने उत्तर दिया यदि मुझे इसका विश्वास हो जाए तो मैं इस लड़ाई को मुलतवी कर दूंगा मुलतवी करने का मतलब क्या आपने तो मिस्टर बोरिंग से कहा है कि मुक्त होने पर आप तुरंत वापस पंजाब जाना चाहते हैं हाँ मेरा इरादा तो लौटती ट्रेन से ही वापस जाने का था पर अब आज तो जाना हो ही नहीं सकता आप धैर्य से काम लेंगे तो आपको और अधिक बातें मालूम होंगी आप जानते हैं अहमदाबाद में क्या हो रहा है अमृतसर में क्या हुआ है लोग सब कहीं पागल से हो गए हैं कई स्थानों में तार टूटे हैं मैं तो आपसे कहता हूं कि इस सारे उपद्रव की जवाबदेही आपके सिर पर है मैंने कहा मुझे जहां अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी वहां मैं उसे अपने ऊपर लिए बिना नहीं रहूंगा अहमदाबाद में तो लोग थोड़ा भी उपद्रव करें तो मुझे आश्चर्य और दुख होगा अमृतसर के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं क्योंकि पंजाब की सरकार ने मुझे वहां जाने से रोका ना होता तो मैं शांति रक्षा में बहुत मदद कर सकता था मुझे रोक कर तो सरकार ने लोगों को चिढ़ाया ही है इस तरह हमारी बातचीत होती रही हमारे मन का मेल मिलने वाला न था मैं ये कहकर विदा हुआ चौपाटी पर सभा करने और लोगों को शांत रखने के लिए समझाने का मेरा इरादा है चौपाटी पर सभा हुई मैंने लोगों को शांति और सत्याग्रह की मर्यादा के विषय में समझाया और बतलाया सत्याग्रह सच्चे का अधिकार है लोग यदि शांति न रखेंगे तो मैं सत्याग्रह की लड़ाई कभी लड़ नहीं सकूंगा अहमदाबाद से अनुसोया बहन को भी खबर मिल चुकी थी कि उपद्रव हुआ है किसी ने अफवाह फैला दी थी कि वे भी पकड़ी गई हैं उससे मजदूर पागल हो उठे थे उन्होंने हड़ताल कर दी थी उपद्रव भी मचाया और एक सिपाही का खून भी हो गया था मैं अहमदाबाद गया मुझे पता चला कि नडियात के पास रेल की पटरी उखाड़ने की कोशिश भी हुई थी वीरगाम में एक सरकारी कर्मचारी का खून हो गया था अहमदाबाद पहुंचा तब वहां मार्शल ला जारी था लोगों में आतंक फैला हुआ था लोगों ने जैसा किया वैसा पाया और उसका ब्याज भी पाया मुझे कमिश्नर मिस्टर प्रेट के पास ले जाने के लिए एक आदमी स्टेशन पर हाजिर था मैं उसके पास गया वे बहुत गुस्से में थे मैंने उन्हें शांति से उत्तर दिया जो हत्या हुई थी उसके लिए मैंने खेद प्रकट किया ये भी सुझाया कि मार्शल लॉ की आवश्यकता नहीं है और पुनः शांति स्थापित करने के लिए जो उपवास करने जरूरी हों सो करने की अपनी तैयारी बताई मैंने आम सभा बुलाने की मांग की यह सभा आश्रम की भूमि पर करने की अपनी इच्छा प्रकट की उन्हें यह बात अच्छी लगी जहां तक मुझे याद है मैंने रविवार तारीख तेरह अप्रैल को सभा की थी माशाला भी उसी दिन अथवा शायद अगले दिन रद्द हुआ था इस सभा में मैंने लोगों को उनके दोष दिखाने का प्रयत्न किया मैंने प्रायश्चित के रूप में तीन दिन के उपवास किए और लोगों को एक उपवास करने की सलाह दी जिन्होंने हत्या वगैरह में हिस्सा लिया हो उन्हें मैंने सुझाया कि वे अपना अपराध स्वीकार कर लें। मैंने अपना धर्म स्पष्ट देखा जिन मजदूरों आदि के बीच मैंने इतना समय बिताया था जिनकी मैंने सेवा की थी और जिनके विषय में मैं अच्छे व्यवहार की आशा रखता था उन्होंने उपद्रव में हिस्सा लिया ये मुझे असह मालूम हुआ और मैंने अपने को उनके दोष में हिस्सेदार माना जिस तरह मैंने लोगों को समझाया कि वे अपना अपराध स्वीकार कर लें उसी तरह सरकार को भी गुनाह माफ करने की सलाह दी दोनों में से किसी एक ने भी मेरी बात नहीं सुनी ना लोगों ने अपने दोष स्वीकार किए न सरकार ने किसी को माफ किया स्वर्गीय रमन भाई आदि नागरिक मेरे पास आए और मुझे सत्याग्रह मुलतवी करने के लिए मनाने लगे पर मुझे मनाने की आवश्यकता ही नहीं रही थी मैंने स्वयं निश्चय कर लिया था कि जब तक लोग शांति का पाठ ना सीख लें, तब तक सत्याग्रह मुलतवी रखा जाए इससे वे प्रसन्न हुए कुछ मित्र नाराज भी हुए उनका ख्याल ये था कि अगर मैं सब कहीं शांति की आशा रखूं और सत्याग्रह की यही शर्त रहे तो बड़े पैमाने पर सत्याग्रह कभी चल ही नहीं सकता मैंने अपना मतभेद प्रकट किया। जिन लोगों में काम किया गया है जिनके द्वारा सत्याग्रह करने की आशा रखी जाती है वे यदि शांति का पालन ना करें तो अवश्य ही सत्याग्रह कभी चल नहीं सकता मेरी दलील ये थी कि सत्याग्रही नेताओं को इस प्रकार की मर्यादित शांति बनाए रखने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए आपने इन विचारों को मैं आज भी बदल नहीं सका हूं अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय वह सप्ताह भाग दो वाचन था जैनेन्द्र सिंह का प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज